नमस्कार, हमारे साथ है उत्तर पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे। दिलीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री में। थैंक यू। आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ मनोज तिवारी सांसद हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ शीला दीक्षित जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या लड़ाई मजबूत हो गई है? देखिए, आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से पहले से ही इस लड़ाई को लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बाहर जाने का रास्ता तय है। दिल्ली के अंदर 7 अहंकारी और निगम में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से सारे परेशान हैं और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इस बार इनके गुरूर को इनको इनके अहंकार को तोड़ना है और ये करने का दमखम और मादा कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। लिहाजा सभी लोग एकजुट होकर वोटों का बंटवारा रोक के आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि 12 मई का चुनाव जो होगा वो बिल्कुल लोग झांसे में नहीं पड़ने वाले कि किसी को पीएम बनाने के लिए वोट करना है, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। 12 मई को सभी लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली और दिल्ली के लोग पीएम बनाने के लिए नहीं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट करेंगे और ये जो बड़े बड़े नाम बता रहे हैं आप, इन बड़े बड़े नामों को वोट नहीं करेंगे अपने आप। आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के 7 सांसद हैं उनसे जनता परेशान है, अगर आपको लग रहा है जनता परेशान है तो आप गठबंधन के लिए क्यों तैयार थे और आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं जी, उनके ट्वीट से लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कैसे भी हो, जैसे कहा जाता है कि हाथ जोड़ने वाली भूमिका में, तो ये कैसे क्यों हो रहा था? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हम गठबंधन के लिए नहीं अपील कर रहे हैं जी। देखिए, इस बात को समझिए कि आम आदमी पार्टी, हमारा ही मानना है, आम आदमी पार्टी देश में व्यवस्था पर रखने के लिए बनी है, ना कि सिर्फ सियासत करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। हमें लगता है कि आज की तारीख में जिन हाथों में देश है वो हाथ देश को ठीक दिशा में लेके नहीं जा रहे हैं। लिहाजा हमने गुजारिश की, दिल्ली में ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर जिन में बारिश हुई वहाँ भी हमने गुजारिश की कि एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। वहाँ भी बात नहीं मानी और वहाँ कांग्रेस पार्टी ने 22,000 वोट काट के भाजपा को जिताने के अलावा कुछ नहीं किया, हम दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली के अंदर इस बात को भली भांति समझ गई है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की पैदाइश के बाद जितने भी चुनाव हुए हर चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है और 3 चुनाव में इनकी जमानत भी जब्त हुई है। अब अगर आप ये कहें कि जब जमानत जब्त पार्टी है कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है तो आप क्यों पहल कर रहे थे, ये आपका अगला सवाल था। मैं बताता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो पश्चिम बंगाल में ये काम कौन कर सकता है, टीएमसी करेगी। राजस्थान में हमें लगता है कि काम कांग्रेस कर सकती है। मध्य प्रदेश में ये काम कौन कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है। दिल्ली में यही काम आम आदमी पार्टी कर सकती है। जिन राज्यों के नाम मैंने गिनाए उन राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्यों कि अगर हम 100 वोट भी पाएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करेंगे। एग्जैक्टली यही काम दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए हमने गुजारिश की थी, निवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस को ये बात समझ नहीं है, दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आ गई कि ये चुनाव देश बचाने का है, कांग्रेस पार्टी अभी भी पार्टी बचाने में लगी है जी। आम आदमी पार्टी का जो इस बार का चुनावी मुद्दा है वो है पूर्ण राज का दर्जा। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है ताकि वो मोदी सरकार को घेर सके, इसलिए एक पूर्ण राज का नया सगोफा छोड़ा गया है। इसके पहले लंबे समय में 47 से लेकर अब तक दिल्ली है, दिल्ली में डेवलपमेंट तो हुआ ही होगा, क्या बिना पूर्ण राज के दिल्ली में डेवलपमेंट करना इतना मुश्किल हो गया था कि आप लोगों ने इसको लोकसभा चुनाव का मुद्दा ही बना दिया? मुझे लगता है कि जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बात कही है उन्हें पहले स्पष्ट करना चाहिए कि 1988 में भारतीय जनता पार्टी के वेटरन लीडर कालका दास ने जब पहली बार कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज बनाना चाहिए तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? उसके बाद दो मुख्यमंत्री हुए, साहब सिंह वर्मा जी हुए, इसके बाद मदन लाल खुराना जी हुए, उन्होंने भी कहा पूर्ण राज बनना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो प्राइवेट मेंबर बिल तक पेश कर दिया संसद में कि पूर्ण राज बना। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा पूर्ण राज बनना चाहिए। विजय गोयल ने कहा पूर्ण राज बनेगा। 14 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा पूर्ण राज बनना चाहिए। तो जिन भाजपा नेताओं की यह बयानगी है उन्हें पहले बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के तमाम नेता क्या झूठ बोल रहे थे, उन भाजपा के नेताओं के मुताबिक क्या नेता सारे मूर्ख थे, इनको कुछ पता ही नहीं है दिल्ली में क्या होना चाहिए, क्या पहले ये स्पष्ट करना चाहिए। हकीकत यह है कि ये अवसरवादिता के शिकार हैं, जब इन्हें लग रहा है कि इनके हाथों ये काम नहीं हो सकता तो उन्होंने यूटर्न मार लिया है। आम आदमी पार्टी ने डे 1 से मेंटेन किया हुआ है कि पूर्ण राज्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे, बनाए रहेंगे, तो हम अभी भी अपनी बात पे कायम हैं। 7 सांसद अगर मान लीजिए आपकी जीत भी जाए तो इन 7 के दम पे आप पूर्ण राज्य का दर्जा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, राजनीति में मैं बता दूँ कैसे, राजनीति जो है वो संभावनाओं की सुंदर रंगोली होती है, आप उसमें अवसर मिलने पर रंग भर सकते हैं। हमें लगता है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, जो गैर भाजपाई सरकार बनेगी, हमारा ये कहना है कि उस सरकार को हमारे सभी 7 सांसदों का समर्थन है और गठबंधन की सरकार में 7 सांसद का बहुत महत्व होता है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक
अनुप्रिया पटेल जी हैं मंत्रालय संभालती एक सांसद हैं। तो गठबंधन में तो बहुत बड़ी बात होती है सात सांसद जाना, और हमारा हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हमारे सातों सांसदों का सीधा समर्थन होगा, बस खाली दिल्ली को पूरा बना दो और इस तरीके से दिल्ली के पूरा बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी सांसद हैं, वहाँ पे क्या काम नहीं हुआ है जिसको आप मुद्दा बनाएंगे? स्थानीय मुद्दे हम पूछ रहे हैं, एक तो आप पूर्ण राज का दर्जा आपका एक बड़ा मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे क्या है जिसको आप मनोज तिवारी को घेरना चाहेंगे? आपको स्थानीय मुद्दा समझना है तो आप अभी बताऊँ आपको, भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल मीटिंग में माननीय तिवारी जी कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे, आप उन्हीं के कॉन्फिडेंस को ना भीजिए, कभी भी उनसे पूछिए कि आइए आपके कामों के ऊपर चर्चा करते हैं। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई चुनाव में मेरे काम पे वोट मत मांगना, मोदी जी के नाम पर वोट मांगना, कार्यकर्ता लोग पूछ देंगे कि क्या काम है क्या बताएंगे, यानी बिल्कुल काम की बात करने की जरूरत नहीं, चर्चा ही मत करना, सिर्फ मोदी जी का नाम लेना, हाथ जोड़ के आगे बढ़ना, जिस बात का प्रमाण है कि माननीय सांसद महोदय अपने कामों के लिए कितना आश्वस्त हैं। मेरा ये कहना है माननीय सांसद महोदय का निकम्बापन एक्सपोज़ हो चुका है, कोई भी काम, मैं हमने सवाल घरों पे डोर टू कैंपेन किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के भी घर है, हमने उनसे पहला सवाल हमारा पर्चे का यही था कि आपके इलाके में भाजपा ने कोई तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताइए, भाजपा के पदाधिकारी भी नहीं बता पा रहे, और हालत यह है कि जनता छोड़िए अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी नहीं पहुंच पा माननीय सांसद महोदय, और कार्यकर्ता उनका बुरी तरह से नाराज है वर्तमानीय सांसद महोदय के अहंकार की वजह से, उनके घमंड की वजह से, उनके अनअप्रोचेबिलिटी की वजह से, और ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं, इंटरनल कैंपेन। अच्छा, आप बीजेपी के सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज ही एक पीपीआरसी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 70 गाँव में 67 में आप लोग फेल है दिल्ली सरकार, जिसमें वाईफाई है, फ्री वाईफाई, आप लोग फ्री वाईफाई नहीं दे पाए। भाई साहब ये टाइपिंग मिस्टेक की बचे करिए उनसे, क्योंकि पूरे देश के अंदर इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी लिख दिया वो सैक्रोसैंक्ट है और शब्दशः उसका अनुपालन कर रही है। मेरी जानकारी में तो 70 में से 67 हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइपिंग मिस्टेक होगी। वो गिमा क्या पाए, एक वाईफाई, मैं आपको तो बताता हूँ कम से कम 40-45 मैनिफेस्टो के पॉइंट्स तो मुझे अभी गड्ढे हो गए हैं। हमने कहा बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, महीने भर के अंदर किया, हमने कहा नाली गली सड़क कलंजा बनवाएंगे वो करवाए, हमने कहा नई कॉलोनी में पानी पहुँचाएंगे पहुँचा रहे, हमने कहा सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे हमने कर दिए, हमने कहा अस्पताल अच्छे करेंगे कर दिए, हमने कहा मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे जितने बनने चाहिए नहीं बने केंद्र की सरकार की वजह से, लेकिन हमने वो भी बनवाए, हमने कहा पेंशन दुखी करेंगे हमने कर दिया, हमने कहा गेट चिकित्सा भी बनवाएंगे वो करवा दिया, हमने कहा प्रमाणित करेंगे उसके लिए फाइल बना दी, पॉलिसी बना दी, कैबिनेट से मुक्त कर दिया, हमने कहा कि दिल्ली के अंदर हम यमुना के ऊपर काम करेंगे, 3 फेज का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका, मतलब मुझे 45 बारी तो मुझे याद है, और ऐसे ऐसे काम किए हैं, दिल्ली छोड़िए देश में पहली बार हो रहा है, दुनिया के अंदर दिल्ली की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने कुल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करती है, ध्यान दीजिएगा वर्ड मेरा, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, नो अदर सिंगल गवर्नमेंट इन दिस वर्ल्ड लेट्स स्पेंड 26% ऑफ टोटल बजट ऑन एजुकेशन। तो ये जिसने भी सर्वे किया है आई एम 100% श्योर ये टाइम मिस्टर, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने बेहतर काम किया, बेहतरीन काम किया है, और नेता से बड़ा सबूत जनता होती है, आप हमें विश्वास मत करिए, सड़क पे जाइए, चौराहे पे खड़े हो जाइए और आम लोगों से 10 आम लोगों से बात करिए, सड़क पे चलने वाले लोगों से, पैदल चल रहे लोगों से बात करिए, 8 आदमी गए थे। अच्छा, कुमार विश्वास इस बार आपके साथ नहीं है, योगेंद्र यादव भी नहीं है, प्रशांत भूषण भी नहीं है, कुमार विश्वास एक स्टार प्रचारक हुआ करते थे, हर चुनाव में उनकी सबसे ज़्यादा सभाएं होती थी, याद आ रही हैं? ऐसी बात नहीं है, देखिए हमारे सामने शहनाज भाई बैठे हुए हैं, स्टार प्रचारक हैं, और मुझे लगता है कि नहीं, शहनाज साहब तो थे, कुमार विश्वास और दोनों लोग साथ ही, बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा किसी ने पार्टी में कोई सभा करी होगी, मेरा कहना ये बहुत से साथी थे और अभी बहुत बहुत सारे साथी हैं, सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसने जितना साथ दिया उतना उसका शुक्रिया। तो आप कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं कि आप चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ मैं नहीं दिल्ली की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने अगर जनता को संतुष्ट किया होता तो मैं डाउटफुल होता, लेकिन कुछ भी नहीं किया कहेंगे, जब जब दिल्ली को जरूरत पड़ी 7 के 7 गायब, मेट्रो का किराया बढ़ा 7 गायब, दिल्ली के अंदर 7 लाख से भी अधिक छोटे बड़े व्यापारी सेलिंग की मार झेल रहे 7 के 7 गायब, अपराध का किराया बढ़ा 7 के 7 गायब, तो 7 के 7 इस बार रिप्लेस होने हैं, और मैं आश्वस्त हूँ कि 12 मई को दिल्ली की जनता किसी को पीएम बनाने के लिए वोट नहीं करेगी, अपने फायदे के लिए अपना एमपी चुनेगी, दिल्ली को पूर्ण राज बनाने के लिए वोट करेगी और बड़े आदमी को नहीं वोट करेगी, अपने आदमी। एक छोटा सा सवाल मिला, शायद आखिरी सवाल होगा, कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं करेगी, क्या आपके मन में डर है कि जनता के बीच एक मैसेज है कि हम जिसको भी वोट करेंगे हमें केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है, उसके लिए वो किसी को वोट देने को तैयार है, तो ये आपके मन में डरा गया? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि
कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये जनता के जनादेश से चुनाव के बाद तय हो जाएगा। आओ सारे जने मिलके आज ये तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तरी पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे, जिनका कहना है कि कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है। वहीं मनोज तिवारी को ये बता रहे हैं कि मनोज तिवारी ने इलाके में कोई काम नहीं किया, अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। बसंत कुमार, newslaundry.com।